अपने चोट लगे उसके हाथ को अपने ही हाथ से काट दिया जिस हाथ को लगी थी। और हमारे देश में हुए गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने चारों बेटों को बलिदान कर दिया। अगर गुरु माँ ने पूछा कि आपने मेरी बोल सुनी हो गई तो उन्होंने कहा देश धर्म के वास्ते और ये चार चार मरे तो क्या हुआ जीवित नहीं हजार। तो मैं दो छंद आपसे लिख रखता हूं वो छंद आप तक पहुंचे मैं वो बताना चाह रहा हूं कि पूरे दुनिया में नहीं है वो हमारे भारत में है। वो जो दो छंद आपके लिए रखता हूं कि जब तप कर कर भगीरथ ने उतारा गंगा जल से पवित्र पानी नहीं कोई है आन पान शान हेतु तज दिए निज प्राण रानी पद्मिनी सी स्वाभिमानी नहीं कोई है। एक हाथ कट गया दूजा हाथ कट गया अमर कुंवर सी जवानी नहीं कोई है और तीन पुष्ट कर दिए तीन 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 पुष्ट कर दिए राष्ट्र हेतु बलिदान गोविंद गुरु सा बलिदानी नहीं कोई है। तीन पुष्ट कर दिए राष्ट्र हेतु बलिदान गोविंद गुरु सा बलिदानी नहीं कोई है। कृष्ण भक्ति के लिए जो कर सके विश्व पान कृष्ण भक्ति के लिए जो कर सके विश्व पान मीरा सी जगत में दीवानी नहीं कोई है। राष्ट्रहित समर्पण कर दे जो सब धन दुनिया में भामा जैसा दानी नहीं कोई है। और हमारे यहाँ बोलते हैं भारत उनका है भारत उनका है भारत के मैं बताता हूँ कि भारत किनका है। कृष्ण भक्ति के लिए जो कर सके विश्व पान मीरा सी जगत में दीवानी नहीं कोई है। राष्ट्रहित समर्पण कर दे जो सब धन दुनिया में भामा जैसा दानी नहीं कोई है। चूड़ियों से सजे हाथ लिए हो कृपाण साथ रानी लक्ष्मी बाई सम रानी नहीं कोई है। और दे सके जो बलिदान दे सके जो बलिदान दे सके जो बलिदान उनका है हिंदुस्तान जागीर की स्थिति खानदानी नहीं कोई है। हमारे देश में बच्चों को पढ़ाया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट बच्चों को पढ़ाया जाता है फलाना द ग्रेट मगर हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए वीर महाराणा प्रताप जिन्होंने खास की रोटी खाई अपने सारा सुख वैभव त्याग किया अपनी जनता के सुख के लिए और घास की रोटी तक छीन गई मगर उन्होंने उन्होंने अपने स्वाभिमान का युद्ध नहीं छोड़ा। हम उस महाराणा प्रताप का नमन करते हुए चार पंक्ति महाराणा के प्रताप लिए रखता हूँ कि राष्ट्र के लिए जो जिए राष्ट्र के लिए जो जिए राष्ट्र के लिए जो मरे राष्ट्र के लिए जो किए बड़े बलिदान थे हिंद की पुकार जैसे सिंह की दहाड़ जैसे एक ललकार जैसे भारतीय किसान थे। आओ पूछो हमसे कि लड़े जो तम से डरना सितम से वो कौन इंसान थे। खास 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 की भी रोटी खा के शीस न झुकाया कभी मेरे लिए वही महाराणा जी महान थे। खास की भी रोटी खा के शीस न झुकाया कभी मेरे लिए वही महाराणा जी महान थे। रणवे राणा जब निकले थे रणवे राणा जब निकले थे अरिकांत स्तव डोला था आजादी का जिनके ओर में दिन रात फड़कता सोला था। छिन गई खास की रोटी भी झुकना जिसने सिखा ही नहीं घास की रोटी भी झुकना जिसने दिखाई नहीं जिनके आदर में दुश्मन भी झुककर टाना जय बोला था झुक करके उन जय बोला था। आइए देखिए तकलीफ क्या होती है भाई साहब। तकलीफ तब होती है कि हमारे देश के गद्दार हमारे देश के सैनिकों के खिलाफ जो अशब्द होते हैं बोलते हैं कि हमारे देश के सैनिक जो पैसे के लिए मर्द शहीद होते हैं तनख्वाह मिलती है शहीद होने की जब मुझे बहुत तकलीफ होता है। मैंने एक सैनिक से कहा मैंने एक सैनिक से कहा कि युद्ध इन गद्दारों के खिलाफ होना चाहिए तो सैनिक ने जो कहा वो चार पर जाकर भी लगता हूँ कि दुश्मन जब कभी लड़ा हमसे तो उसको सबक सिखाया है शेरों के दांत गिने हमने चिड़ियों संग बाज लगाया है। दुश्मन जब कभी लड़ा हमसे तो उसको सबक सिखाया है शेरों के दांत गिने हमने चिड़ियों संग बाज लगाया है। अमर जोत जलती जाए इसलिए मिटे परवाने हम इधर से तर्क नहीं करते हैं सिंहों की संतान है। बहुत दो एक कविता मेरी है
राज सिंहासन, इसे टी न्यूज पे भी पसंद किया गया, न्यूज 18 में भी पसंद किया गया और हमारे युवा वर्ग को बहुत पसंद आएगा क्योंकि वो कविता है। आप लोगों के अंदर शक्ति है, आप देश का निर्माण कर सकते हैं और देश का निर्माण करते हैं एक वोट से। आपका वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है और उसे सही जगह आज चुनाव चारों तरफ हो रहे हैं। हम तो ये किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं उससे क्या उम्मीदें क्या आशाएं लगाते हैं, वो पंक्ति वो गीत मैं आपको करता हूँ कि मिला राज सिंहासन तुमको, मिला राज सिंहासन तुमको, लेकिन इतना ध्यान रहे सूरज जो चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। मिला राज सिंहासन तुमको लेकिन इतना ध्यान रहे सूरज जो चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। माना राज चला करता है बुद्धिमान दरबारों से, माना राज चला करता है बुद्धिमान दरबारों से, पर हे राजन संभल के रहना निर्लज चाटुकारों से। अमृत का रस पान करो, अमृत का रस पान करो, पर थोड़ा पिस भी चख लेना अपने दरबारों के अंदर एक निंदक भी रख लेना। नारी हो निर्भीक सुरक्षित पूर्वज का भी मान रहे सूरज जो चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। व्यवसायीगण लाभ कमाए, उद्योग का पोषण हो, कृषक रहे कुशल सदा, मजदूरों का ना शोषण हो, शिक्षा का विस्तार ऐसा हो पढ़ने में आनंद मिले, फिर से इस पावन धरती पर हमें विवेकानंद मिले। भारत भू पर जन्मे हैं हम, यह सबको अभिमान रहे सूरज जो चमके अंबर में ऐसा हिंदुस्तान रहे। और घर में भूखे बच्चे सोए ऐसा एक परिवार न हो, दो रोटी को तन बेच दे यो कोई लाचार न हो। दुश्मन करे प्रहार अगर उसको प्रतिकार प्रचंड मिले, तो देशद्रोह की बात करे उसको बस मृत्यु दंड मिले। जन ने सेवक तुम्हें चुना है इसका तुमको ध्यान रहे सूरज जो चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान। आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं आप सबको एक काम देता हूँ मेरे साथ जय जय हिंदुस्तान करने के लिए। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि धरती की गरिमा है भारत अंबर का वरदान, एक साथ सब जोर से बोलो जय जय हिंदुस्तान। धरती की गरिमा है भारत अंबर का वरदान, एक साथ सब जोर से बोलो जय जय हिंदुस्तान। मंगल जी ने भारत का मंगल करना चाहा, अंग्रेजी तो के आगे ना सीना ताना, शीश काट कर फिर हाथी माता हारी रानी, दुनिया में ना कहीं मिलेगी ऐसी अमर कहानी, दुनिया में ना कहीं मिलेगी ऐसी अमर कहानी। इस माटी की परिपाटी है जमा गया बलिदान, इस माटी की परिपाटी है जमा गया बलिदान, एक साथ सब जोर से बोलो जय जय हिंदुस्तान। धरती की गरिमा है भारत अंबर का वरदान, एक साथ सब जोर से बोलो जय जय हिंदुस्तान। मन कर भी जो बढ़ा गई है नारी का सम्मान, एक साथ सब जोर से बोलो जय हिंदुस्तान। धरती की गरिमा है भारत अंबर का वरदान, एक साथ सब जोर से बोलो जय हिंदुस्तान। जलियांवाला कांड कराने वाला जो हत्या,
चलिया वाला कांड कराने वाला जो प्यारा ऊधम सिंह ने लंदन का जनरल डायर को मारा। चलिया वाला कांड कराने वाला जो प्यारा ऊधम सिंह ने लंदन का जनरल डायर को मारा। भगत सिंह ने पंडे को हंसकर गल माल बनाया। भगत सिंह ने पंडे को हंसकर गल माल बनाया। आज ही भगत सिंह ने फंदे को हंसकर गल माल बनाया। आजीवन आजाद कभी ना हार किसी के आया। आजीवन आजाद कभी ना हार किसी के आया। आजादी के आजादी के आजादी के लिए लड़ाई सबने अपनी जान। आजादी के लिए लड़ाई सबने अपनी जान। एक साथ सब जोर से बोलो जय हिंदुस्तान। गरिमा है भारत अंबर का वरदान। एक साथ सब जोर से बोलो जय हिंदुस्तान। और देखिए अभी हाल में हम अभिनंदन का बहुत नाम सुने हैं। और एक आपको याद होगा हनुमंतप्पा जी थे रमैया की चोटी पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। देखिए आप लोग अगर भूल भी जाएंगे तो मैं भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि आरोप हम पे लगते हैं कि लगे आरोप हम पे चीखते हैं हम चिल्लाते हैं, मगर सच यह है कि माँ भारती का दर्द गाते हैं। मिली है मुफ्त में आजादी ये मत सोच लेना तुम। मिली है मुफ्त में आजादी ये मत सोच लेना तुम। इसी कारण शहीदों की तुम्हें गाथा सुनाते हैं। बर्फीली चट्टान हनुमान थप्पा से टकराई। बर्फीली चट्टान हनुमान थप्पा से टकराई। सियाचिन की चोटी से देवता जय हिंद सुनाई। बर्फीली चट्टान हनुमान थप्पा से टकराई। सियाचिन की चोटी से देवता जय हिंद सुनाई। खुशबू से महकी कर धरती जैसे महके चंदन। खुशबू से महकी कर धरती जैसे महके चंदन। आन पान और सांस लौटा जब अपना अभिनंदन। आत्मा और सांस लौटा जब अपना अभिनंदन। जगता पग पग जगता पग पग बोल रहा नेता सुभाष महान। जगता पग पग बोल रहा नेता सुभाष महान। एक साथ सब जोर से बोलो जय हिंदुस्तान। धरती की गरिमा है भारत अंबर का वरदान। एक साथ सब जोर से बोलो जय हिंदुस्तान। और चार पंक्तियों के साथ मैं काव्य पाठ साथ करता हूँ। आप सभी का प्यार मिला, मैं बहुत प्रेरित रहूंगा आप लोग का। जब तक हूं मैं जिंदा मैं राष्ट्रगान करूंगा। जब तक हूं मैं जिंदा मैं राष्ट्रगान करूंगा। झुककर तिरंगे का सदा सम्मान करूंगा। माँ भारती पुकार करके देख लेना तुम। तेरे लिए मैं शीश बलिदान करूंगा।